कुछ इलाकों में जो है सरकार के निर्देशानुसार छूट दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामलों की संख्या को देखते हुए संभल जिले में लॉकडाउन को लेकर 15वें दिन क्या असर है ये देखने के लिए हम इस वक्त संभल के मुरादाबाद मार्ग पर मौजूद हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये संभल के मुरादाबाद मार्ग है, जो है मुरादाबाद की तरफ जाने वाला वो मार्ग है। लेकिन लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर क्या नज़ारा है यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो देखेंगे तो ये मुरादाबाद की तरफ जाने वाला वो मार्ग है, जहाँ पर लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति है वो स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट है। इसी के अलावा अगर बात की जाए संभल में लॉकडाउन को लेकर, तो संभल में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार इलाके में लॉकडाउन का पालन कराने में लगा हुआ है और लगातार पुलिस प्रशासन इसके प्रयासों में लगा हुआ है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो संभल जिले में अभी तक 20 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है। इसी के अलावा संभल जिले में 4 हॉटस्पॉट इलाके बनाए गए हैं। शासन के द्वारा जो नोडल अधिकारी IAS और IPS वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो भी लगातार इस जिले में जो है दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए तो संभल जिले के DM और SP भी लगातार जो है फील्ड में मौजूद हैं, और इसके अलावा जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगातार फील्ड में रहकर लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं, या हॉटस्पॉट इलाकों में जो भी जरूरी सुविधाएँ हैं या जो भी जरूरी व्यवस्थाएँ हैं उनका कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंतजाम कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट है कि संभल में लॉकडाउन को लेकर जो हॉटस्पॉट एरिया है उसमें कहीं ना कहीं 20 मरीजों की पुष्टि होने के बाद लगातार पुलिस प्रशासन की सख्ती हॉटस्पॉट इलाकों में तो बढ़ चुकी है, लेकिन संभल के कुछ इलाकों में दुकान खोलने के लिए भी पुलिस प्रशासन ने मामूली तौर पर छूट भी दी है। लेकिन KNews भी इसी बीच अपने दर्शकों से अपील करता है कि सभी लोग घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। अभिनव माथुर, KNews संभल। एक सप्ताह।